एक अभ्यर्थी ने आवेदन किया है और एक विश्वविद्यालय ने अपनी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए साक्षात्कार के माध्यम से उसका चयन किया है। इस मामले में ना हमारा कोई हस्तक्षेप है, ना हमको कुछ कहना है। अब यह दुर्भाग्य है कि वो हमारा भाई है, जिसको कोई आपत्ति हो तो उसका जांच करा सकता है। इस देश में सबको ये छूट है, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रक्रिया पर आपत्ति कर सकता है, उसकी जांच करा सकता है। इससे ज्यादा मुझे सर उसमें सर ईडब्ल्यूएस कोटे के द्वारा इसलिए उसका आपत्ति दर्ज किया। भाई अगर आपको लगता हो कि मैं विधायक हूँ, मंत्री हूँ, इसलिए इनका भाई ईडब्ल्यूएस कैसे हो गया, आप में से कोई किसी चैनल का अगर स्टेट हेड हो, नेशनल हेड हो, जिसका 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का पैकेज होता है, तो क्या वह उस आय का अधिकारी उनका भाई माना जाता है? भाई की अलग आइडेंटिटी है, उसने अपनी अथॉरिटी में, अपनी आइडेंटिटी में आवेदन किया है, प्रशासन के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र है, विश्वविद्यालय में एक निर्धारित प्रक्रिया है, स्क्रीनिंग होती है, इंटरव्यू होता है, उसके आधार पर विश्वविद्यालय ने चयन किया है। मैं अब भी कह रहा हूँ, जिसको कोई आपत्ति हो उसकी जांच करा सकता है, मेरा इस पूरी प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं।